बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब वादी के महाराजा ने वादी के मुसलमानों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भारत से लाग किया तो उस ऐलान की खबर फैलते ही पूंछ और मीरपुर के मुसलमानों ने मुजफ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर हुकूमत कायम कर ली। गिलगित में भी कबारी सरदारों की सरपरस्ती में महाराजा के फैसले पर गम गुस्सा का इजहार किया गया। उस वक्त पाकिस्तान की अफवाज का बेशतर असला भारत के असला खानों में था। खसूसन पाक फ़िज़ाइया उस वक्त बिल्कुल बेबस और बड़ी फौज को किसी किस्म के तहफ़ फराम करने से कासर थी। इस बेसर समानी के आलम में गिलगित की मैसूर आवाम को सामान की फरामी भी जरूरी थी, जिसका मुआसरा भारतीय फौज ने कर रखा था। खैर, पाक फिजाइया ने गिलगित की मैसूर आवाम को सामान पहुंचाने का फैसला किया और 4 नवंबर 1948 को पाक फिजाइया का एक डकोटा ट्रांसपोर्ट त्यारा 3500 पाउंड की इमदाद लेकर फ्लाइंग अफीसर मुख्तार अहमद डोगर की सरबराही में गिलगित रवाना हुआ। उन्होंने दरियाए सिंध के साथ साथ परवाज करते हुए सकद्दू में मुकर्रा मकाम पर सामान फेंका। इस मिशन की तकमील पर मुतमईन जहाज कमला पुरसकून अंदाज में वापस आ रहा था कि फ्लाइंग अफीसर मुख्तार अहमद डोगर ये देखकर चौकन्ना हो गए कि उनके त्यारे के ऊपर भारतीय फिजाइया के लड़ाका टैंक से त्यारे मंडला रहे हैं। खुशकिस्मती से जलाश वादी का ये मकाम 5 किलोमीटर तक चौड़ा था, जहाँ फिजाई हरकत बआसानी हो सकती थी। दुश्मन के त्यारों ने पाक फिजाइया के डकोटा को करीबी भारतीय हवाई अड्डे की तरफ मुड़ने का हुक्म दिया, लेकिन मुख्तार डोगर ने इन्हें कोई जवाब ना दिया। ये हिम्मत तो शजात की नहायत आला मिसाल है, क्योंकि डकोटा बिल्कुल गैर मुसल्ला त्यारा था और इसे किसी लड़ाका त्यारे से तहफ़ भी हासिल ना था। जवाब ना मिलने पर भारतीय हवाबाजों ने दोबारा हुक्म दोहराया और जवाब ना मिलने की सूरत में फायर करके जहाज को तबाह करने की धमकी दे दी। मुख्तार डोगर ने इस बार भी उन्हें कोई जवाब ना दिया। ये देखकर भारतीय त्यारों ने पोजिशनें लेना शुरू कर दी ताकि पीछे से डकोटा पर फायरिंग करके उसे तबाह किया जा सके। उधर मुख्तार डोगर कमाल महारत से अपने जहाज को दाएं बाएं हरकत देकर दुश्मन की जद से बचने की कोशिश करने लगे। उनके दस्ते रास हवाबाज अफसर मुनीर और फ्लाइंग अफसर जगजीवन और सामान गिराने वाला अमला, जिसमें नेक मोहम्मद दीन भी शामिल था, इस सूरत हाल से कती बेखबर ये समझ रहे थे कि मुख्तार डोगर फन हवाबाजी का मुजाहरा करके महजूज हो रहे हैं। लेकिन जब वो हकीकत से बाखबर हुए तो जहाज का दरवाजा खोलकर फ्लाइंग अफसर जगजीवन और नेक मोहम्मद दीन भारतीय त्यारों का जायजा लेने लगे। इसी दौरान एक भारतीय त्यारा तेजी से डकोटा के करीब आया और उसने 20 mm मशीन गन का फायर खोल दिया। गोलियों के जद में आकर नेक मोहम्मद दीन ने जाम शहादत नोश किया, जबकि फ्लाइंग अफसर जगजीवन जख्मी होकर बेहोश हो गए। खुशकिस्मती से जहाज को कोई भी नुकसान ना पहुंचा। इस दौरान मुख्तार डोगर मौका पाकर अपने जहाज को एक तंग घाटी में ले गए और खतरनाक हद तक नीचे चले गए। इस तरह वो दुश्मन के त्यारों की जद से महफूज हो गए। उन्होंने तब दुश्मन को पैगाम भेजा, अगर अब तक तुम मुझे नहीं पकड़ सके तो याद रखो फिर कभी भी नहीं पकड़ सकोगे। और ऐसा ही हुआ। यूं मुख्तार डोगर अपनी हिम्मत और ज़हनत के बलबोते पर अपना मिशन मुकम्मल करके दुश्मन के लड़ाका त्यारों के नरगे से अपने गैर मुसल्ला त्यारे को बचाकर लाने में कामयाब हो गए। दरअसल जब दुश्मन ने पहली बार उन्हें भारतीय हवाई अड्डे की तरफ मुड़ने को कहा, उस वक्त मुख्तार डोगर के सामने सिर्फ अपने आप को दुश्मन के हवाले करने का मसला नहीं था, बल्कि उनके नज़दीक पाकिस्तानी कौम की हमियत और गैरत को बरकरार रखना असल मसला था। ये निडर शहीन साबित करना चाहता था कि मुसलमानों ने बरसगीर ने अगर पाकिस्तान हासिल किया है तो उसकी हिफाजत करना भी खूब जानते हैं। पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज अपने वतन की आबरू पर हर वक्त मर मिटने को तैयार है और किसी को मादरे वतन की तरफ मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं दे सकती। मुख्तार डोगर की शजात और ज़हानत का एतराफ़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा जुरत के आला तरीन एजाज से नवाजा। यूं फ्लाइंग अफसर मुख्तार डोगर सितारा जुरत हासिल करने वाले पाक फिजाइया के पहले शाहीन बन गए। इनके शानदार कारनामे के जरिए ना सिर्फ पाक फिजाइया के दीगर शाहीनों को एतमाद मिला, बल्कि उनके हौसलों और जज्बों को मजीद तकवीत मिली। ऐसे ही शाहीनों के कारनामों की बदौलत आज पाक फिजाइया का शुमार दुनिया की बेहतरीन फिजाई कुव्वतों में होता है। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।